दूसरा फर्रुखाबाद जनपद में अपने यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसका सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है और सर्वे कंप्लीट हो गया और सर्वे को फाइनल इसी सत्र में फाइनल हो जाएगा। फाइनल होके इसके जमीन के अधिग्रहण वगैरह एक साल के अंदर शुरू हो जाएंगे। ये भी जो अपना है आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आके समाप्त हो जाता था वो आगे बढ़ते हुए नीप करोरी और संकसा के मध्य से होते हुए अपना हतियापुर के पास और हतियापुर से होते हुए जो अपना रवन्ना गुलजारबाग होते हुए राजेपुर चला जाएगा और राजेपुर से फिर अपना गंगा एक्सप्रेस वे में जाके मिल जाएगा। इसके बन जाने से फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो जाएगा। हतियापुर के पास से निकलने से मतलब यह है कि हतियापुर से आदमी यहां से फर्रुखाबाद का आदमी कट से उस पर एक्सप्रेस वे पे चढ़ेगा, अभी 6 लेन बनेगा और आगे चल के 8 लेन होगा, यहां पर चढ़ेगा और चढ़ने के बाद खट से वो गंगा एक्सप्रेस वे रूपापुर में चढ़ जाएगा। या इधर से आप चलना है तो हम लोग अभी इधर से जाते छिवड़ामऊ से सौरिक जाते छिवड़ामऊ जाते सौरिक जाते सौरिक से फिर पकड़ते फिर हम लोग आगरा के लिए जाते हैं, तो हम लोग इस पर सीधे जाएंगे और सीधे जाने से हम सीधे आगरा है दिल्ली है या चित्रकूट है या झांसी है कहीं पर भी जाना चाहे, या इधर से हम इधर प्रयागराज जा सकते हैं गंगा एक्सप्रेस में पकड़ लेंगे, हम लखनऊ जा सकते हैं पास पड़ेगा हमें रूपापुर से, हम लोग इधर चले जाएंगे तो गाजियाबाद से सीधे हम देहरादून चले जाएंगे, मंसूरी चले जाएंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे, हम कहीं पर भी ये एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के लिए किसानों के लिए नौजवानों के लिए पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर देश दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेस वे अपना जो है जो बढ़ रहा है ये हमारे लिए एक तरह से फर्रुखाबाद जनपद के लिए रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी माध्यम से बहुत ही सफल साबित होगा।